देहरादून शहर में यातायात एक गंभीर समस्या बनी हुई है। आज शहर की कई जगहों पर जाम की स्थिति बनी हुई है। शहर की 15 किलोमीटर की परिधि पर आने जाने के लिए बसों की उचित सुविधा नहीं हो पाती है और इसी को लेकर उत्तराखंड पर्वतीय विकास पार्टी ने गांधी पार्क के आगे धरना प्रदर्शन किया। उनका कहना था कि शाम को 7 से 8 बजे के बाद शहर में गाड़ियों की कोई व्यवस्था नहीं हो पाती है, जिससे कि लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और इसी मांग को लेकर उत्तराखंड पर्वतीय विकास पार्टी के कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि देहरादून पहुंचने के बाद लोगों को आने जाने के लिए काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। सुचारू रूप से अगर बस सेवाएं शुरू हो जाती हैं तो लोगों को राहत मिलेगी। उनकी मांग है कि शहर में कम से कम रात 10 बजे तक बसों की व्यवस्था की जानी चाहिए। आज का मुख्य मांग हमारी ये है कि देहरादून चूँकि महानगर बन गया है और इसकी सीमाएँ बढ़ गई हैं, यहाँ पर जो यातायात की समस्या वह बहुत गंभीर समस्या है। शाम को 7 बजे के बाद जो दूरस्थ इलाके हैं कम से कम 15 किलोमीटर के रेडियस में, उन जगहों के लिए बस सेवा उपलब्ध नहीं होती है। 7, 7:30 बजे के बाद तो बिल्कुल बंद हो जाती है। तो हमारी मुख्य मांग है कि 7 बजे से 10 बजे तक जो दिन में जिस प्रकार से गाड़ियों का संचालन होता है, बसों का संचालन होता है, उसी प्रकार से रात को 7 बजे के बाद 10 बजे तक भी लगातार बसों का संचालन हो। हमने धरना इसलिए रखा है, जो हमारी सेवाएं हैं बसें हैं बहुत ही ज़्यादा बेकार हो चुकी हैं। देहरादून में बिल्कुल भी बस सेवा, रात की इस बस सेवा बिल्कुल भी नहीं है। जो 8 बजे के बाद कहीं भी जाना हो कोई बस सेवा उपलब्ध नहीं होती है। तो इसके लिए हमने धरना रखा है कि रात्रि 10 बजे के बाद तक 10 बजे तक तो कम से कम बस लगातार चले और 10 बजे के बाद भी चले। एक समय रख लें, 1 घंटे के बाद, 2 घंटे के बाद कोई समय रखें। देहरादून से संवाद 365 के लिए कैमरामैन दिनेश कुमार के साथ अनुराग सक्सेना की रिपोर्ट।